वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। महकमा मवासलात आबाशी के हवाले से इजलासों की सदारत भी करेंगे। इमरान खान को छोटे डैम से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आला आसमान बुज़दार वज़ीर-ए-आज़म को खानेवाल वाकये की तहकीकात से आगाह करेंगे। हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 12.03 रुपये महंगा। पेट्रोल की कीमत 159.86 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 9.53 रुपये इजाफे से 154.15 रुपये फी लीटर। मट्टी का तेल 10.08 रुपये महंगा 126.56 रुपये फी लीटर में हो गया। लाइट डीजल की कीमत 9.43 रुपये से बढ़ाकर 123.97 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का आज से तमाम स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम अराद रास का कहना है कि फैसले के इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। वजीर दफा परवेज खटक महंगाई का शोर मचाने वाली अपोजिशन पर बरस पड़े। कहते हैं पूरी दुनिया में महंगाई है, क्या तमाम मुल्कों के सरबराह नाहल हैं? महंगाई पर काबू पाने के लिए अपोजिशन कोई दूसरा रास्ता बताए। वजीर आजम को समझा देंगे। अपोजिशन खुशी सदम में तमात लाए, उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा। फैसल वापरा ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील दायर, समाअत आज होगी। वापरा ने मौकफ अपनाया, इलेक्शन कमीशन नाअहल करने का मजाज नहीं, फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, नाअहली के फैसले को कालेअदम करार दिया जाए। चीन ने अफगानिस्तान के असासे जब्त करने के अमरीकी इकदाम को डाका करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी इकदाम इखलाकी गिरावट जाहिर करता है, अमरीका जल्द अज जल्द अफगानिस्तान के पैसे लुटाए। पेशावर जलमी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 25 रन से हरा दिया। जलमी ने 186 रन का हदफ दिया। शेर मलिक ने 58 और हसैन तलब ने 51 रन बनाए। नसीम शाह की 4 विकटें, ग्लेडिएटर्स 161 रन बना सकी। अस्मित 99 के स्कोर पर विकट गंवा बैठे। उस्मान कादर ने 3 खिलाड़ी आउट किए। मैच के दौरान सुहेल तनवीर और बेन कटिंग में नजदीबा अशारों और जुमलों का तबादला हुआ। कदीम गुमशुदा शहर और उसमें छुपे खजाने की तलाश के लिए एक जोड़े की दिलचस्प मुहिम जारी। हॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म दी लॉस्ट का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 25 मार्च को रिलीज की जाएगी।